हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेनु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आमचूर बनाएंगे, तो देख लेते हैं आमचूर हम किस प्रोसेस से तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने कच्चे आम लिए हैं, ये मैंने 500 ग्राम कच्चे आम लिए हैं। इनको मैंने साफ धो लिया है। अब हम इन आम को इस तरह से छील के तैयार कर लेते हैं। इनका छिलका हम हटा देंगे। हमने आम छील के तैयार कर लिए हैं, छिलका उनका अलग कर दिया है। अब छिलकों को हम एक साइड कर देंगे। एक दूसरी प्लेट लेंगे और इस तरह से हम इनका पल्प निकाल लेंगे। ये देखिए, इनको हम इस तरह से पतले पतले पीसेस में कर देंगे, जिससे कि ये जल्दी से सूख जाएंगे। हम इसका पूरा पल्प निकाल लेंगे और गुठली को हम फेंक देंगे इस तरह से। ये देखिए, इसी तरह से हम अपने सारे जितने हमने आम लिए हैं उनका हम पल्प निकाल के इस तरह से पीसेस में कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पतले पतले पीसेस किए हैं, जिससे कि ये जल्दी से सूख जाएंगे। हमने इस तरह से सारे आम में से पल्प निकाल लिया है, इनको पतले पतले पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इनको धूप में रख देंगे, इनको अच्छे से सुखा लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से सुखा लिया है। आप देख सकते हैं कि अच्छे से सूख गया है, आसानी से टूट रहा है। आप देखिए, इसको सुखाने में हमें 2 दिन का टाइम लगा है। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और जो हमने आम के पीस सुखा के तैयार किए हैं इसको इसमें डाल देंगे। और इसको हम बारीक पीस के तैयार करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आमचूर बन के तैयार है। इस समय आम का मौसम चल रहा है, तो आप आमचूर बना के रख सकते हैं। इसको 5 से 6 महीने तक किसी भी जार में स्टोर करके रख सकते हैं। ध्यान रहे कि इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। आप इसमें एक चुटकी नमक मिला दीजिए तो ये 5 से 6 महीने तक ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी रेसिपी। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।